क्या आपने कभी बिना ब्रेड के ब्रेड रोल बनाया है फ्रेंड्स? अगर नहीं बनाया है तो आज चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, बिना ब्रेड के हम बनाएंगे ब्रेड रोल, बहुत ही टेस्टी लगता है, सेम उसी का स्वाद है। तो फ्रेंड इस तरह बनाइए और सबको खिलाइए, यकीन मानिए काफ़ी सबको पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेढ़ गिलास लगभग पानी डाल लेना है। छोटे गिलास से डेढ़ गिलास डालिएगा फ्रेंड, बड़ा गिलास हो तो एक गिलास डालिए। आधा चम्मच हमें हल्दी पाउडर डाल देना है, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। अब जब उबाल आने लगे फ्रेंड तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं एक कप सूजी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, तो थोड़ी सी कटोरी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने एक कप सूजी लिया है, लगभग ये 150 ग्राम है। तो इस तरह डालना है फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह लगातार फ्रेंड 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो इसी तरह लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा पानी अच्छे से सूख जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो इस तरह देखिए फ्रेंड सूख गया अच्छे से, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इस तरह मैंने बाउल में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आलू को ग्रेट करके रख लिया है, लगभग 3 मीडियम साइज के आलू थे। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का ऑनियन चॉप किया हुआ। तो तीनों को मिक्स कर लेना है इसमें। तो इस तरह अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने, और साथ ही इसके डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे खट्टापन आएगा, बहुत ही टेस्ट आता है। आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह लगातार चलाते हुए फ्रेंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो इस तरह का हाथों में लेंगे फ्रेंड, तो छोटे रोल में इस तरह देखिए लंबे आकार में इस तरह हमें बनाकर रख लेना है। तो प्लेट में देख सकते हैं फ्रेंड, एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार चेक करके वापस। इस तरह देखिए हमें हाथों से लंबे आकार में बनाना है और इस तरह रख देना है। तो सारे इस तरह मैंने बनाकर रख लिया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको बनाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रवा ठंडा करने के लिए रखा था, तो देख सकते हैं आप अच्छे से सूख गया है। अब इसे हम थोड़ा हाथों से अच्छे से और मैश कर लेंगे। इस तरह करने के बाद अब हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेते हैं। तो पानी थोड़ा हाथों में लगाना है हमें, थोड़ा थोड़ा हम इस तरह रोल बना लेंगे। तो लंबे आकार में फ्रेंड हमें फ्लैट हाथों से अच्छे से फैलाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसी तरह अच्छे से फैला लेना है हमें। तो लंबे आकार में हमें बनाना है। इस तरह बनाने के बाद अब इसमें हम स्टफिंग रख लेंगे। अब स्टफिंग मैंने रख लिया है फ्रेंड। अब अच्छे से हम इस तरह देखिए मिक्स करेंगे। तो साइड साइड इस तरह देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, दोनों साइड का चिपक जाना चाहिए। इस तरह देखिए दबा लीजिए और थोड़ा सा रोल बना लीजिए। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना कर दिखा रही हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं, तो दोबारा भी मैंने इसी तरह बनाया है लंबे आकार में। अब इसी तरह हम मिला लेते हैं। तो इस तरह बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गया है हमारा। तो देख सकते हैं आप इस तरह हमें बनाना है। तो इसी तरह मैंने सब बनाकर रेडी कर लिया है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और टेम्प्टिंग बनकर रेडी हुआ है। यकीन माने आप बनाएंगे तो ब्रेड रोल खाना भूल जाएंगे, तो इस तरह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलिए हम कढ़ाई में तेल रख सकते हैं। तेल हमारा जब गर्म हो जाए तो इसमें हम छान लेंगे। तो देखिए अब हमने डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो इस तरह इसमें जितना आ सके 4 से 5 6 आप डाल सकते हैं। तो मैंने 6 पीस डाला हुआ है। अब इसे हमें डालने के बाद फ्रेंड थोड़े टाइम के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे रखना है ऐसे ही। उसके बाद हम थोड़े साइड में पलट लेंगे और चम्मच ले लेंगे एक, उसके ऊपर से थोड़ा तेल इस तरह डालेंगे तो इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह अलटते पलटते हुए इसे हमें कुक करना है ताकि एक साइड ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो फटाफट फ्रेंड इसी तरह अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट में मीडियम फ्लेम में हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जब इस तरह का ब्राउन हो जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड। तो ये अच्छे से कुक हो गया है, तो देख सकते हैं इस तरह मैंने निकाल लिया है। इसी तरह हम सब निकाल लेते हैं। पहले मैंने अच्छे से पौने में निकाल लिया है ताकि तेल हमारा अच्छे से छन सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह बनाकर रेडी करना है हमें। तो सारे इस तरह हम बना लेंगे। तो लीजिए हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार है फ्रेंड, देखिए कितने टेंटिल लग रहे हैं।
और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे खा के एक बार देखिएगा तो यकीन मानिए हफ्ते में 5 दिन आप ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितने टेम्पटी लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी। तो इस तरह बनाइए फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।